वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए आपके एंसेस्टर्स की डेक में से देखेंगे कि आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वन कार्ड मैसेज में, और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को, तीन ऑप्शन क्या देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रेजेंस के लिए डियर एंसेस्टर्स। ओके, ऑप्शन टू आपके लिए अपने आप ही कार्ड आ गया है। कलेक्टिव में भी देख लेंगे, यानी कि इन मैसेज को कलेक्टिव की तरह भी देख लेंगे एक बार। ऑप्शन थ्री आपके लिए यहाँ पे कार्ड है। वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से चुन लीजिएगा ताकि आपको समय मिल सके अपने लिए चुनने का। 1, 2 और 3 तीनों भी सुन सकते हैं, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉच ओवर यू एवरी डे। तो यहाँ पे आपके लिए भेज रहे हैं बहुत सारी इमोशनल हीलिंग आपके एंसेस्टर्स आपके लिए, और ये कह रहे हैं कि आप उनके दिल में बसते हैं, यानी कि वो आपके हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं आपसे, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको वॉच करते हैं हर दिन, वो देखते हैं चाहे आप परेशान हैं, अकेले हैं, और आपके हार्ट के ऊपर वो लाइट भी डालते हैं, यानी कि वो आपके हार्ट में जो इमोशंस हैं, आप जिन चीज़ों को फील करते हैं उनको आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो ऑप्शन वन आपके लिए जो मैसेज है, ये मैसेज है बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। तो आपके एंसेस्टर आपको ये कह रहे हैं कि खुद पे बिलीव कीजिए कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव वे में। आपके एंसेस्टर आपको ये कहना चाहते हैं बहुत क्लियरली, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कि लीप ऑफ फेथ लेने से कभी नहीं डरना है, आगे बढ़ने से कभी नहीं डरना है, ऊंची छलांगे भरने से भी नहीं डरना है, यानी कि ऊंचाई को छूने से नहीं डरना है। ये नहीं सोचना है कि जीवन में अगर कभी कुछ गलत हुआ था तो आगे भी वैसा ही रहेगा, या फिर अगर मैं गिरूंगा तो क्या होगा। आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी और आप फिर बढ़ जाओगे, फिर उठ जाओगे, लेकिन वो बात आपके अंदर होनी चाहिए। खुद पे ट्रस्ट आपको होना चाहिए कि आप उन चीजों को कर सकते हैं और आप किसी मकाम को पा सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने एंसेस्टर से बहुत सारी प्रेयर करते हैं, या फिर आप डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं और आप फेथ रखते हैं ईश्वर के ऊपर, और ये फेथ ही आपको उस जगह पे लेके जा रहा है जहां पर आपको होने की जरूरत है। और आपसे कहा गया है अपने आप पर ट्रस्ट करो, जैसे कि आप हमेशा करते हो, क्योंकि आप कर सकते हो। ऑप्शन टू आपके लिए तो अपने आप ही मैसेज आया था, आई एम जस्ट अ थॉट अवे। तो अगर आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं अपने एंसेस्टर को स्पेसिफिकली इस टाइम पीरियड में, तो आपके एंसेस्टर वो साथ नहीं है। मे बी आपके उनके साथ चाइल्डहुड की कोई मेमोरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक चाइल्ड है, एक एनिमल है, और आपके एंसेस्टर के साथ में मुझे लगता है आपका कोई पेट भी है जिसको आप मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेट की एनर्जीज हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको वॉच करते हैं, जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ। ये बॉटम ऑफ द डेक वाला मैसेज आपके साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि वो उनकी प्रेजेंस या तो आपको भी महसूस होती होगी, या फिर आप उनकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं, या बचपन में आपको होती होगी उनकी प्रेजेंस महसूस, यानी कि कोई मौजूद है आपके आसपास में आपके लिए अच्छे वे में, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, और वो आपके पास में ही है। यानी कि आपके जो एंसेस्टर हैं आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हैं, और ये कोई ऐसे एंसेस्टर हैं जो कि आपके चाइल्डहुड से ही आपके साथ में है। आपके लिए कोई पेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आपके एक से ज्यादा एंसेस्टर मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसा एंसेस्टर जो कि आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, आपके कोई पेरेंट हो सकते हैं, पर पेरेंट से भी ज़्यादा बड़ी एनर्जीज मुझे लग रही हैं, यानी कि आपके पेरेंट हो सकते हैं। अगर चाइल्डहुड में ही आपके किसी, यानी कि आपके बचपन में ही अगर आपके कोई पेरेंट चले गए थे, तो वो डेफिनेटली ये पेरेंट हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी एनर्जीज हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स के जो बड़े लोग होंगे उनकी एनर्जीज हैं, ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी, नाना नानी हो टाइप के हो सकते हैं एनर्जीज, पर मुझे उससे भी बड़ी ना जाने क्यों लग रही है, बड़ी एनर्जीज हैं ये। लेकिन ये आपको, आप कितने भी बड़े हैं, ये आपको बच्चे की नज़र से ही देखते हैं, और इन्होंने आपका बचपन बहुत मिस किया है, यानी कि या तो इन्होंने आपको बचपन में देखा ही नहीं है एनर्जी लेवल पर आपके साथ कनेक्टेड हैं, या फिर आप और ये बचपन में दूर रहे, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी ऐसी एनर्जीज हैं, लेकिन मिसिंग है यहाँ पे, बचपन और बड़े होने के बीच में कुछ मिसिंग है यहाँ पे। तो देखते हैं ऑप्शन थ्री आपके लिए क्या मैसेज है। माय डेथ वाज पेनलेस, प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू गिल्ट। तो आपके एंसेस्टर बहुत ना हार्ट ब्रेक की एनर्जी से इस दुनिया से मुझे लगता है कि गए हैं, या फिर उनका हार्ट जो है ना बहुत ही, या तो वो स्टोन हार्टेड थे, या फिर वो
आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। तो देखिए, जो वर्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें उनको लीजिएगा, जबरदस्ती नहीं लेना है। और मुझे लगता है कि आप उनको नहीं चाहते थे कि वो इस दुनिया से जाएं, हालांकि कोई भी नहीं चाहता, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि वो इस दुनिया से जाएं। और आपके और उनके बीच की दूरी आपको बहुत खलती है, इस तरह की एनर्जीज हैं। और उनका जाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग का कारण रहा है, यानी कि उस चीज से बाहर निकलने में भी आपको बहुत लॉन्ग टाइम लगा है। एक उदासी हमेशा आपके मन में रही है। मुझे लगता है कि आपके एंसेस्टर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माई डेथ वॉज पेनलेस, प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू बिल, तो या तो वो बहुत बीमार थे, या फिर आपको लगता था कि आप उनके लिए और कुछ कर सकते हैं, या बहुत तड़प तड़प के उनको किसी बीमारी की वजह से बहुत तड़पना पड़ा है, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। यानी कि ये ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ना आपको दुख बहुत हुआ है और उनको भी दुख बहुत हुआ है। यानी कि कुछ मामलों में वो आपको देख के दुखी होते थे कि आप उनकी वजह से दुखी हो रहे हैं, और कुछ आप उनको देख के दुखी होते थे कि वो दुखी हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एक फीलिंग है आपके और उनके बीच में। और आपके एंसेस्टर अब ये चाहते हैं आपसे कि बेशक वो फिजिकल बॉडी का पेन था, लेकिन उनकी सोल में वो दुख नहीं था। उनकी जो आत्मा है वो आज भी दुखी होती है जब आप दुखी होते हैं, या आप चिंता में होते हैं, या जब आप गिल्ट में जाते हैं कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, या फिर आप उनके कि वो उनकी उनका जो अंत था वो कैसे हुआ उसको लेके आप वरल्ड रहे, या फिर आपको ये रहा कि आप कुछ नहीं कर पाए, या ऐसा क्यों हुआ। एक जो सवाल जवाब अगर आपके मन में अपने किसी भी एंसेस्टर की डेथ को लेकर चलता है, किसी की भी डेथ को लेकर, तो वो चाहते हैं कि इससे आप मुक्त हो जाएं, आप बार बार इन चीज़ों को दोहराएं नहीं। जैसे कई बार लोगों की आदत होती है ना, ये नॉर्मल बात है, इसे दिल पे नहीं लेना है, लेकिन ये बात मैं आपको बोल रही हूँ। कई बार लोगों की आदत होती है ना कि अगर 20 साल पहले भी किसी की कोई मृत्यु हुई हो, 10 साल पहले भी किसी की कोई मृत्यु हुई हो, तो वो उस चीज़ को ना दोहराते रहते हैं। अरे अंतिम समय में उनको दवाइयाँ नहीं मिली, उनको टेस्ट नहीं मिले, उनका ऐसा इलाज होना था, बहुत तड़प तड़प के गए, बस वो तड़पते रहे, बस वो। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप, यही होता है कि जब भी वो फिर आपको देखते हैं तो वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी वजह से दुखी हैं, लेकिन वो आपको चीख चीख के कहना चाहते हैं कि वो फ्री हैं, वो फ्री हो चुके हैं, आप उनके बारे में बात करना बंद कर दो, गिल्ट करना बंद कर दो, और अपने हार्ट को हैप्पी करो, और उनको वही वाइब्रेशंस दो जो कि उनको भी हैप्पी कर सकती हैं। क्योंकि आपके मन में अगर पेनफुल वाइब्रेशन है, आप उनको दर्द वाली वाइब्रेशन दे रहे हैं, आप उनके लिए कोई प्रेयर नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप प्रेयर कर रहे हैं दुख वाले हृदय से, दुखी होकर कर रहे हैं, तो वो उनको दुख पहुंचाएगी। अगर आप खुश वाले हृदय से कर रहे हैं, उनको खुशी देगी, तो वो आपको डेली देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आपकी किसी चीज में गलती नहीं है। आप जो कर सकते थे आपने किया, जो नहीं कर सकते थे वो नहीं हुआ, तो अब उस चीज को लेके नहीं सोचिए। और वो ये भी कह रहे हैं आपसे कि काश वो आपसे कई बार ये कह सकते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या कितना प्यार करते रहे हैं, काश वो आपको बोल सकते। और आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए अपने आपको अकेला नहीं समझिए, और वो आपके सारे थॉट्स देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे यही कहा था कि वो आपकी बातों को सुन रहे हैं और आपके थॉट्स देख सकते हैं, इसलिए उनको ट्रिगर होती हैं वो चीजें, तो नहीं कीजिए उनको ट्रिगर। वो आपसे सिर्फ एक थॉट की दूरी पे ही है, आपके सारे थॉट्स को देखते हैं, इसलिए अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। ना तो आप खुद को यहाँ पे परेशान कीजिए कि आप किसी चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते और आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप खुद को किसी चीज़ में हेल्पलेस मानते हैं तो उनको दुख होता है इस चीज़ से, और वो आपके साथ ही हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक कार्ड भी था, आई सी ऑल योर थॉट्स के नीचे यह भी कार्ड, आई एम हेयर हेल्पिंग यू, तो वो आपको मदद कर रहे हैं। अगर आप उनको ड्रीम्स में देख रहे हैं तो भी वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो होप कि ये छोटी सी रीडिंग आपके किसी भी काम में आए, आपकी मदद करे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स ही हैं, और आप भी उनको ब्लेस कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों की ब्लेसिंग्स भी, यानी कि हम जब उन्हें ब्लेस करते हैं कि आपकी सोल में पीस रहे, आपकी आपकी यात्रा आगे की अच्छी हो, जब हम उनके लिए ब्लेसिंग्स करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो डिवाइन वर्ड सुनता है, और उनको भी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी पे हेल्प मिलती है। तो हमें सिर्फ लेन देन करना है अच्छी एनर्जी का उनसे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।